स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ही शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट के लिए कौन सा सोर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा यूज़ करने के लिए और सस्ता रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी एक जियो का ये डोंगल ख़रीदा है। तो ये जो डोंगल है इसके साथ जो स्कीम मिला है वो स्कीम है मतलब मैंने जो लिया है वो 6 मंथ फ्री वाला स्कीम है। इसमें मुझे रोज़ 1 GB डाटा फ्री मिलता है 4G के स्पीड से, और मैंने इसका स्पीड टेस्ट भी किया है, काफ़ी अच्छा स्पीड इसका मिल रहा है मुझे। और जैसे कि मैं कुछ इस डोंगल लेने से पहले इंटरनेट सोर्सेज में यूज़ किया करता था, जैसे वाईफाई हो गया है, फिर मोबाइल से हो गया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन ये जो डोंगल है इससे मेरा काफ़ी जो इंटरनेट पे मुझे कुछ फाइल्स अपलोड करनी है, कुछ वीडियोज अपलोड करने हैं, तो ये बेहतर है। ठीक है, जैसे कि कुछ वाईफाई वाले कनेक्शंस थे मैंने 2-3 स्वाइप करके भी देखे, लेकिन जितना मुझे स्पीड चाहिए था वो स्पीड मुझे नहीं मिला उसमें। लेकिन ये जैसे मैंने लिया और इसको मैंने यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा स्पीड इसमें मुझे मिला था, जो कि मुझे रेगुलरली चाहिए होता था। ठीक है, देखिए जब मैंने अभी ये डोंगल लिया, इसके साथ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये बॉक्स है, और इसके साथ मुझे मिला एक डेटा केबल था, एक डेटा केबल है, उसके बाद ये अडैप्टर है, ये अडैप्टर है, और मुझे मिला ये डोंगल। देखिए ये डोंगल है, ठीक है, और इस तरह से ये डोंगल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका कवरेज है, वाईफाई का कवरेज है, और उसका बैटरी स्टेटस यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, और एक इसके साथ मुझे मैनुअल मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप ये डोंगल लेते हैं, तो ये डोंगल जब लेते हैं तो आपको इसके साथ एक सिम कार्ड भी आपको लेना पड़ेगा, जो कि 4G होता है, वो सिम कार्ड आपको इसके अंदर डालना होता है, और उसका जो स्कीम है वो एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, आप ये जब बॉक्स लेते हैं इसके साथ आपको सिम कार्ड नहीं मिलता है, एक्चुअली वो प्रोवाइड करते हैं आपको सिम कार्ड इस डोंगल के साथ। ठीक है, जियो वाले जो है वो प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 स्विच है, एक ऊपर वाला स्विच है, एक और पीछे वाला, ये एक स्विच है। ऊपर वाला स्विच आप जब प्रेस करते हैं तो ये स्विच काम करता है आपका डोंगल को ऑन और ऑफ करने का, और नीचे वाला जो है वो सिक्योरिटी के लिए वर्क होता है, WPS का ये स्विच होता है। ठीक है, देखिए आपको जब सिम कार्ड इसमें अंदर इंसर्ट करना है, यहाँ से आप खोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका इसका बैटरी है, ये है बैटरी, देखिए ये इसका बैटरी है जो हम यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे इसके नीचे आएगा आपका सिम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे सिम यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा जियो का सिम डला हुआ है। ठीक है, तो मैंने तो वापस से आपको ये बैटरी इंसर्ट करना है। ठीक है, मैंने बैटरी इंसर्ट कर दिया और ये इसका बैक पैनल लगा दिया। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ से स्विच ऑन करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका ये जो डोंगल है शुरू हो जाएगा। देखिए अब ये शुरू हो गया है। तो ये यूज़ करने के लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आसान है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, देखो जियो आपको एक ऑफ़र भी इसके साथ देता है, ऑफ़र मतलब एक एडिशनल फैसिलिटी जो है, अगर आपके पास कोई मोबाइल है उसमें वाईफाई एनेबल्ड है, तो उस वाईफाई मतलब उस मोबाइल को इस डोंगल से आप कनेक्ट करिए और
जियो का जो ये वॉइस कॉलिंग का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और आपकी टोटल कॉल जो है वो फ्री हो जाएगी, लेकिन आपको आपका मोबाइल इसके साथ कनेक्ट करना होगा वाईफाई के थ्रू, ठीक है, तभी आप सारे कॉल कर पाएंगे और वो सभी कॉल आपको फ्री होगी, ठीक है। तो देखिए इस ये जो अडेप्टर है, इस अडेप्टर को आपको चार्जिंग के लिए लगाना है, ये आपका डाटा केबल है यूएसबी, इसको लगाना है यहाँ पे, यानी इसकी बॉटम साइड में लगा दिया। उसके बाद देखिए इसको लगाना है आपको 230 वोल्ट के सप्लाई में, और देखिए यहाँ पे आपको यह कनेक्शन मिलता है, देखो यहाँ पे डाटा केबल का, ये आपका डाटा केबल का कनेक्शन है, बस आपको यहाँ पे लगा देना है तो ये आपका शुरू हो जाएगा चार्जिंग यहाँ से, ये डोंगल के लिए 1-10 सेकंड के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है तो ये शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पे सिग्नल, देखो यहाँ पे सिग्नल दिखता है आपको ग्रीन में, तो ये ग्रीन सिग्नल आपको आते हैं तो समझ लो कि आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रही है, ये अगर रेड में आ गए तो ये आपको मतलब सिग्नल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ग्रीन है तो यहाँ पे ये सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये कनेक्ट करना है, जैसे अभी मोबाइल को इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए इस ये तो अभी शुरू हो गया है, ये काम अपना शुरू कर दिया है इसने, लेकिन जैसे ही आपको मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको JioFi 3 और कुछ कोड आएगा, उसको आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। उसको कनेक्शन करेंगे तो देखिए ये जो आपको मिला है, ये बॉक्स जो आपको मिला है इसके साथ, तो नीचे देखिए यहाँ पे उसका जो सिग्नल होता है, कौन सा सिग्नल है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिग्नल भी है जैसे कि JioFi 3 5D 4093 ऐसे कुछ है उसमें, और नीचे उसका पासवर्ड भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे पासवर्ड भी है, ठीक है। तो ये पासवर्ड डाल के आप उसको नेट आपका शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट के लिए ये डोंगल ले सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। देखते रहिए हेडशॉट फिल्म्स। थैंक यू।